मेरे घर में कबड्डी का माहौल है, मेरे चाचा वगैरह कबड्डी खेलते थे, तो मेरे को ले गए ग्राउंड पे कि चल तेरे को एक आर्मी स्कूल में वो करवाऊंगा, एडमिशन कराऊंगा। तो चले गए, ऐसे 6 महीने दौड़ रनिंग की। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि कबड्डी भी खेल लिया, अगर मैं भी खेलता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कबड्डी की जर्नी स्टार्ट हुई, तो स्कूल नेशनल गेम ऐसे मिलने लगे, और जिससे थोड़ा मज़ा आने लग गया कि हाँ भाई कबड्डी से थोड़ा ये है। फिर पढ़ाई में तो ऐसे ही थे ही, मतलब थी ठीक थे। तो फिर कबड्डी चालू कर दी, नेशनल मिलने लग गए, फिर दिल्ली स्टेट खेली कई बार। जैसे एयरफोर्स की जॉब के लिए मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। नेवी के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ। दो तीन जगह ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन लिया, तो फिजिकल टीचर के लिए, तो वहाँ यूनिवर्सिटी भी खेली, क्वालिफाई भी किया, लेकिन पोजीशन नहीं आई। तो फिर जॉब भी नहीं लगी, एज होती जा रही थी। तो दिल्ली स्टेट खेला, एक साल खेला सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी साल खेला सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन ना होने के कारण मेरा मन में ये था कि भाई अब सिलेक्शन नहीं होना। मैंने अपनी माँ से बोला, माँ यहाँ कुछ मिलना नहीं है, मैं अपना कोर्स कर लूँ, कम से कम गवर्नमेंट जॉब तो लग ही जाऊँगा। तो फिर उसी टाइम 2013 में ही स्टार्टिंग में जनवरी में भाई का कॉल आया कि अगर दिल्ली से तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो दूसरी स्टेट से खेल ले। और वहाँ से खेला और नेशनल में हम फर्स्ट आए, और जिसके उससे प्रो कबड्डी मिल गई। तो ये मेरी लाइफ का सेफ मोमेंट था। मैं नॉमिनेट करता हूँ नितिन रावल को लाइफ की कबड्डी चैलेंज के लिए।